टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट सीरीज रांची के जेसीए मैदान में होने वाला है और इसे लेकर देखिए टीम इंडिया के खिलाड़ी जो है लगातार मैदान में पसीना बहा रहे हैं और किस तरह से तमाम खिलाड़ी घंटों से अभ्यास यहां पर कर रहे हैं। जब 23 तारीख से मैच की शुरुआत होगी तो सीधे तौर पर जो जीत है वो बरकरार रखने की कोशिश होगी, क्योंकि इस सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया जो है वो आगे चल रही है। और साफ है कि अगर जेसीए स्टेडियम की बात कर ले तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। जब इससे पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुआ था तो डबल सेंचुरी रोहित शर्मा ने इसी मैदान से पर इसी पिच पर जड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की तो रविंद्र जडेजा काफ़ी बॉलिंग में आक्रामक जेसीए स्टेडियम में दिखते हैं और यही कारण है कि जो सामने की टीम है उसे धूल चटाने में ज़्यादा मुश्किल टीम इंडिया को नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यशस्वी अलग ही लय में चल रहे हैं, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, साथ ही सरफराज खान भी जो है काफ़ी बेहतर फॉर्म में है। तो साफ है कि टीम इंडिया के लिए यह राह काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि जैसे ही तीसरा जो सीरीज़ है यहाँ पर यह मैच में टीम इंडिया जीत हासिल करेगी तो उसके साथ ही जो सीरीज़ पर साफ तौर पर कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो सीरीज का आखिरी मैच है वो धर्मशाला में होना है और इसे लेकर अगर हम बात कर ले रांची की तो रांची पूरी तरह से तैयार है, चाहे जेसीए स्टेडियम की बात करें या फिर पूरे रांची वासियों की और झारखंड वासियों की पूरी तरह से तैयार है। और आपको हम दिखा रहे हैं देखिए जेसीए स्टेडियम में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अभ्यास कर रहे हैं और साफ तौर पर एक मजबूत रणनीति के तहत मैदान में उतरने की तैयारी है। 23 तारीख से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है और तमाम लोगों की निगाहें युवा खिलाड़ियों पर है। साथ ही शुभमन गिल की बात कर ले तो शुभमन गिल भी काफ़ी, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो जिस तरह से पिछली बार 100 पुराने से चूक गए थे तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि रांची में जब खेल रहे तो इस बार अपना शतक भी पूरा कर लेंगे। तो साफ है कि तमाम लोगों के साथ साथ खिलाड़ी भी काफ़ी उत्साहित और ख़ासकर रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का शहर है और इस पिच से भी तमाम खिलाड़ियों को काफ़ी लगा काफ़ी बेहतर यहां पर जब भी खेल हुआ है तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब इंतज़ार 23 तारीख का है जब दोनों टीम जो है मैदान में उतरेगी और साफ तौर पर धुआंधार पारी देखने को मिलेगी टीम इंडिया की और सीधे तौर पर बॉलिंग में आक्रामक तमाम जो बॉलर्स हैं वो दिखने वाले हैं और बैट्समैन भी इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनका छक्का छुड़ाते हुए मैदान में दिखेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।